मुनिगंज पंचायत हुआ जिसमें दो वार्ड है, चार पाँच है हमारे गांव में। पानी जो देख रहे हैं इससे भी गहरा गहरा पानी हमारे चौर में इस बार हो गया है। जो ये चौर का पानी हमको अंदाजा है कि 2 महीना के बाद जब तक रब्बी का फसल हम लोगों का खत्म हो जाएगा, जोताई बुआई हर जगह, तब तक ले पानी जल जमाव लगा ही रहेगा। और यहाँ का जो सरकार है, यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ के जो विधायक है, हम लोग नया नया अभी RJD से विधायक निरंजन कुमार यादव जीते थे, हम लोग उनको पूरा सहमति के साथ वोट दिए और उनको जिताया। बहुत तमन्ना था हम लोग को इस विषय पर। इससे पहले बार में, इससे पिछले बार में 2 बार हम लोग को, ये पूरे समाज को, हमारे एरिया में जो भी जल जमाव में व्यस्त थे, जिसका फसल नुकसान हो गया था, तो ये जो है 6000 वाला दहनाल मिलता था। इस बार ऐसा हुआ कि विधायक ऐसा हमारे एरिया का जीता, हमारे पंचायत, हमारे विधानसभा का ऐसा हुआ कि जो 6000 तो क्या की खबर पूछने भी नहीं आया कि मर गया कि जिंदा। कभी गरीब तरीब कुछ नहीं, जब से वो वोट लेके गए हैं, 1-2 बार रिहर्सल हुआ, ऑर्केस्ट्रा हुआ, उसमें आए, प्रोग्राम सुने, कवाली सुने, मजार पर आके चादर उधर चढ़ाए। उसके बाद यह योजना के तहत कोई भी लाभ, DM के यहाँ झूठो हम लोग सुने कि DM के यहाँ गए, DM साहब उनको कहा कि यहाँ का नो क्लॉक्स होगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ का जो भी जनता है सुखित है। लेकिन सर आप तो आके देखे हैं ना, ये तो ये है, आप चौर में जाइएगा, अभी ढोरी से ऊपर पानी है। और अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर से 15 दिसंबर तक गेहूं का, रब्बी का फसल जो है बाग हो जाना चाहिए। हमारे चौर में जाके देखिएगा तो रब्बी का फसल रब्बी घोघा में चला जाएगा, फिर भी यहाँ है सो पानी जल जमाव नहीं सूखेगा, समझे कि ना। ये पूरा व्यस्त है, हम लोग परेशान हैं। यहाँ जो विधायक हम लोग को जिताया, हम लोग जिताया हुआ, यहाँ जो मुखिया हुए मुकेश राम, वो तो खैर जीतने के बाद हवा भी उसका ना आया, चेहरा भी फरछा ही तो ऐबे नहीं किया उसका, और फिर इलेक्शन में खड़े हैं, क्या है, समझे कि ना। सारा घर डूब गया। मांग विधायक का पावर होता है जिला से छीन के लाना, है विधायक का पावर है। DM से मांग करेगा, DM नहीं देगा उससे ऊपर जाएगा, उससे नहीं होगा उससे ऊपर जाएगा। पावर हम लोग उनको क्यों दिए? पावर तो इसलिए दिए कि हम लोग सुरक्षित रहें, कि हम लोग व्यस्त रहें, पानी में मर जाए डूब जाए, ना कोई नाव का साधन। यहाँ DM बोला कि यहाँ पानिए नहीं गया, तो DM साहब आके यहाँ देखते ना, CO आरक्षण किए, CO दौरा किए चौर में, गए हम लोग उनको देखे, गिरधारी हमारे मनरेगा के जो मैनेजर है, CO को पूरा घुमाए, पूरा मुन्नी पंचायत, बेंगरी पंचायत में उन्होंने घुमाए, और उन्होंने विकल्प डाला कि सर ऐसा किया जाए कि ना होता है तो मनरेगा से कुछ योजना किया जाए कि जो हम जनता को राहत दे। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा 6000 कहाँ गया? हमारा 30 करोड़ रुपया हमारे गाँव का कहाँ गया? वो कहाँ कहे न दिवाए? उनको अपने जेब से तो नहीं देना था, ये अपना वो जमीन बेच के इलेक्शन लड़ लिया, हम लोग के लिए क्या किए? मिलने आने से क्या होता है? वही कहा ना कि जो हुआ मजार लगा, मोबाइल से क्या है भरेगी, सब मोबाइल से क्या उसको ही होगा? मोबाइल से या चेहरा दिखाने से कब तक मैंने ये होगा? हम लोग को जब तक राहत न मिलेगा, कोई तरह का कोई प्रकार का योजना न मिलेगा। विधायक जी से तो मांग है कि हम लोग जो ये पानी में मर रहे हैं, रोड रास्ता खराब है, चारों तरफ ये रोड है, आई दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ मिट्टी भरा रहा है, घर लोग बना रहे हैं, टाटी का हो चाहे ईंटा का हो, और बीच में ही रोड रहेगा। हमारा जो 6000 का योजना जो फेल हो गया, हमारे जनता का एको नहीं, एको आदमी को कोई तरह का राहत नहीं मिला। कौन सा गांव हुआ है? मुन्नी बैंगरी पंचायत हुआ, मुन्नी बैंगरी गांव हुआ।